सोलार डूब गया था, कोई पार्टी का सीएम हो, कोई पार्टी का एमपी हो, कोई नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस आज तक कोलार के अंदर जीती नहीं है। लीडरों की बातों को छोड़कर सिद्धरमैया साहब को गली गली जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आज सीएमआर और दूसरी और कांग्रेस से सिद्धरमैया दोनों के बीच में जो है टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार के इलेक्शन में, आपको क्या लगता है सर, को किसकी जीत होगी और किस तरह से ये कंपटीशन चलेगा? देखिए, खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुती मुल्क मन तशा व तंजील मुल्क मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है और जिसे चाहता है बादशाह खींच लेता है। लेकिन ख़ास तौर से कोलार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तीनों अपने ज़ोर पर हैं कि भाई तीनों जीत कर आए। लेकिन जीत तो एक ही लोग की होगी, मतलब कि तीन तरफ की अगर मैच हो रही है तो मैच में विनिंग टीम एक ही रहेगी। लिहाजा जो आज तौर से हमको दिख रहा है कि सीएमआर और ख़ास तौर से सीएम सिद्धरमैया साहब, हमें सिद्धरमैया साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो कोलार आए। लेकिन सिद्धरमैया साहब कोलार आने से पहले ख़ुद को उनको इंडिपेंडेंट अपनी कार से निकल कर या अपने जिनके ऊपर भरोसा करते हैं कैंडिडेट लोगों को, सबसे पहले कोलार का सर्वे करना चाहिए उनको। क्योंकि सिद्धरमैया साहब आने से पहले श्रीनाथ सीएमआर जो जेडीएस का कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 से 5 साल तक कोलार की गली गली कूचे कूचे में, जब कोलार डूब गया था, कोई पार्टी का सीएम हो, कोई पार्टी का एमपी हो, कोई नहीं आया। हमने सच्चे दिल से, हर मुसलमान कोलार का ये देखा है कि चाहे बारिश में जब कोलार डूबा, या जब भी दंगे फसादात आए, या जब भी कोलार को परेशानी आई, हमारी नज़र में एक सीएमआर खड़ा रहा। चाहे वो तिजारती लाइन से हो, जो टमाटा व्यापारी है, उसके पास कई कौम के बच्चे उसके पास काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि काम करके हमें ये सारी बागडोर सीएमआर के हाथ दे दे। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सारी डोर हमें सिद्धरमैया के पास दे दे। लिहाजा मैं इस मरतबा में कहता हूँ, क्योंकि एक अच्छे कैंडिडेट हैं सीएमआई, सिद्धरमैया साहब हो या कुमार स्वामी जी हो, या ख़ास तौर से जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, होम के बड़े बड़े लीडर, मैं ये नहीं कहता कि सिद्धरमैया गलत हैं, मैं ये नहीं कहता सीएमआर गलत है। लेकिन लिहाजा मैं दोनों को कंपेयर जब कर रहा हूं कि अगर वजन के अतबार से तोला जाए, सीएमआर 4 साल से दिन रात हो मुसलमानों के अंदर या गैर कौमों के अंदर या कई कास्टों के अंदर वो घुस के मदद करा है। लिहाजा हमारा मुसलमान किसी का खाकर धोखा तो नहीं देता, लेकिन सिद्धरमैया साहब अपनी सरोनों के साथ, अपनी प्रोटोकॉल के साथ, जब पुलिस वालों के साथ रहते हैं और स्टेज पर आकर चले जाते हैं, लेकिन सिद्धरमैया साहब को मेरी तरफ से एक राय है, ये 5 साल छोड़कर सबसे पहले कोलार को, चाहे आप दूसरे क्षेत्र से खड़े होकर कोलार के दिलों में दिल पर राज कीजिए, उसके बाद आकर आप खड़िए, ये हमारा मशवरा है। क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट हैं सीएमआई सिद्धरमैया साहब, अगर सिद्धरमैया साहब आकर अगर कुछ ऊपर नीच हो जाए, क्योंकि वत्तूर प्रकाश है वो भी कुरबुर है, क्या सिद्धरमैया वो भी कुरबुर हैं, वो कुरबुरों के वोट अगर दो तरफ बढ़ जाए, या मुसलमानों के वोट अगर दो तरफ बढ़ जाए, आधे क्या है सिद्धरमैया साहब की तरफ चले जाए और आधे श्रीनाथ की तरफ चले जाए, हम चाहते हैं चाहे कुरबुर का हो चाहे मुसलमान का हो, वोट ज़ाया ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमान को एक तरफ मुत्तहिद होकर इन दो कैंडिडेट में सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर है, उसे वोट दे। सर, एक तरफ
सीएमआर श्रीकांत हो और या दूसरी तरफ सिद्धरामैया हो, अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप किसको सपोर्ट करोगे और आपकी स्ट्रैटेजी और डिमांड क्या रहेगा? देखिए, अगर सिद्धरामैया साहब कोलार को 4 साल या 3 साल से आकर मेहनत करते तो बेशक हम सिद्धरामैया का साथ देते, लेकिन हम 4 साल से श्रीनाथ जो मेहनत कर रहा हमें देख रहे हैं, हमारा वादा भी है हम श्रीनाथ को जिताएंगे, तो इंशाल्लाह हमें श्रीनाथ के साथ ही जाएंगे। क्या क्या डिमांड्स रहेगी सर आपकी? देखिए, सबसे पहले है मेरी सबसे पहले डिमांड कोलार हो या कोलार डिस्ट्रिक्ट के जिन जिन MLAओं को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है काश ना देखा जाए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इन चीज़ों को साइड में रखकर हमारे शहरों को किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, जो पानी के सिलसिले में हो या तिजारत के सिलसिले में हो या रोडों के सिलसिले में हो, जो ऑटो डिपार्टमेंट है उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं, वो कमा कर जरिया बनाकर जरिया माश अपने चलाए, और ख़ास तौर से फ्रूट के व्यापारी हो या वेजिटेबल के व्यापारी हो, इन लोगों पर घर घर घुसने से नहीं, हर आदमी आया इलेक्शन के टाइम सामने आकर भीख मांग के वोट ले लिया और उसके बाद, अगर कोलार के बाहर का शहर का कोई भी आदमी हो, समझ में, अगर बाहर से आके खड़ा होता है तो अगर वो कोलार को समझे बगैर ही वो कैंडिडेट बन रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हमारा वोट डालकर वेस्ट ना करें। आप इतना इल्म रखते हो, आपका इतना फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपके चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े जाते इलेक्शन? मैं इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ 1 साल हुए, मैं सिद्धरामैया साहब को जो कह रहा हूँ वही बात मेरे लिए भी है कि सबसे पहले मैं कोलार में घुसूँ, डिस्ट्रिक्ट में घुसूँ, उनको हेल्प नेचर करो और 5 साल मदद करो, उसके बाद अगर मैं आवाम के लायक हूँ, आवाम चुनेगी, अगर आवाम के लायक है, आवाम का सपोर्ट आज भी है खड़ो, लेकिन मैं नहीं खड़ूंगा क्योंकि तो मेरी खिदमत जारी ही नहीं हुई। हम ये चाहते हैं चाहे मैं हो चाहे सिद्धरामैया साहब हो, सबसे पहले कोलार को समझो या कोई कोलार के डिस्ट्रिक्ट के शहर को समझ कर उसकी मदद कर कर उसके बाद अगर हम ये दावा करते हैं मैं कोलार को खड़ूंगा तो बेशक उसके लिए जायज़ भी रहेगा। तो सर आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि सिया मारी इस बार यहाँ पर जीतेंगे सिद्धरामैया को? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता, जिसे चाहता है बादशाह खींच लेता है, कोशिश हमारी है इंशाल्लाह, हम सोचेंगे कि आवाम क्या चाहते। देखिए, कोलार की आवाम के दिलों की बात तो हम नहीं जानते क्योंकि तो दिलों की राज तो अल्लाह जानता है, लेकिन कोलार के जितने भी आवाम हैं जब से सिद्धरामैया साहब है कन्फ्यूजिंग है कि भाई CMR 4 साल से या 5 साल से उन्हें जो 10 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी चाहे हर कौम के लोगों को खर्च कराए या उसे वोट डाले, जो प्रेजेंट CM आने वाले जो CM थे वो सिद्धरामैया साहब या उनको वोट डाले, मैं समझता हूँ कि सिद्धरामैया साहब किसी और 2-3 जगह से खड़ सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र से खड़ कर वो जीत कर आवाम आकर पहले कोलार की खिदमत करें, इंशाल्लाह उसके बाद सारी आवाम एक तरफ होकर उनको वोट डालेगी, क्योंकि कांग्रेस आज तक कोलार के अंदर जीती नहीं, चाहे नसीर साहब आए हो चाहे जमीर साहब आए थे, ये थे कांग्रेस का एक बलबल जो था, तो हमें चाहते हैं कि इस मरतबा अगर कांग्रेस के अंदर मुसलमान कैंडिडेट को डालते तो बेशक इस मरतबा मुसलमान 100% आने के चांसेस थे, जो आज इस मरतबा कोई पार्टी वाला नहीं मुसलमान को कैंडिडेट नहीं डाला। तो क्या रहेगा सर मैसेज कोलार के लिए? देख, कोलार के लिए एक ही मैसेज है, आप सोचिए, देखिए हर एक इंसान का उसका वोट का हक होता है, चाहे वो कांग्रेस को डाले चाहे JDS को डाले, मैं समझता हूँ कि इस मरतबा देखिए हमें दो जनों को भी इज्जत करना है, अगर बाप भी आ गया बेटा भी आ गया तो दाद भी हमारे हैं होंड भी हमारे हैं, सिद्धरामैया साहब हमें एक्सपीरियंस की इज्जत करते हैं, वो CM थे, हम चाहते हैं कि वो बगैर सर्वे करे आकर खड़े होकर अगर अल्लाह ना करे वो हार गए तो हमारे लिए भी ये अफसोस की बात होगी कि एक CM इस जगह से हारे, तो बेहतर राय यह है कि सिद्धरामैया साहब कोलार को सर्वे करे, गली गली सर्वे करे, लोगों की राय मशवरा ले, लीडरों की बात सुनकर नहीं, आकर खड़े हो गए कि लीडर कह रहे हैं कि आकर खड़े हो जाओ, लीडरों की बातों को छोड़कर सिद्धरामैया साहब को गली गली जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, अगर उनको लगता है मैं कोलार में जीत सकता हूँ तो बेशक खड़ सकते हैं, वो इनका अख्तियार, माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के इम्कान हैं, तो यही तो कहता हूँ मुसलमान, देखिए जब मुसलमान यहाँ पर खड़ता है दूसरे कौम वाले समझ मारा खड़े होकर मुसलमान को MLA नहीं बना सकते, जैसे नसीर साहब खड़े थे, अगर मुसलमान पूरा एक हुआ तो गैर हजरात भी एक होकर उनको जिताना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उस वक्त अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से देखा गया, जब वो दूसरी कौमों को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है तो चाहे वो MP हो मिनिस्टर हो मोदी हो अमित शाह हो कोई भी हो, जब हमारे वोटों की ज़रूरत पड़ती आकर कन्फ्यूजन पैदा करके अपना वोट लेके जाई कर देते हैं, लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जब देखे जब तक कोलार की हकीकत
हिंदू मुसलमान एक नहीं होता कोलार के अंदर कोई भी एमएलए नहीं जीतेगा। ये मेरा चैलेंज है, हिंदू को भी मुसलमान का वोट, दोनों का वोट, माइनॉरिटी वोट भी समझ में आ रहा है, गोड़ा हजरत का भी वोट भी या कुरबुर हजरत का वोट भी, ये जितनी भी दलित हजरत हैं ये सारों का वोट मिलकर ही कोलार में एक एमएलए जीत सकता है। ये नहीं कि मुसलमान आ गया मुसलमान जीत देगा, क्योंकि नसीर साहब हमारे पास खड़े हुए थे, सारे मुसलमान ने एक तरफा वोट डाला था, एक तरफा वोट डालने के बाद गैर कौम हजरत ने उनको साथ नहीं दिया, अगर साथ देते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दो मरतबा एमएलए हो सकते थे।